वेलकम टू एडिशन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन और ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दो टॉपिक्स कवर किए हैं पिछले दो लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है इसके बारे में पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो डिवीजन है नर्वस सिस्टम के हमारे अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स पढ़े, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट एरियाज फंक्शन के बारे में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट है ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट है हेड में, स्पाइनल कॉर्ड बैक में प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ब्रेन, ब्रेन बॉक्स या स्कल और क्रेनियम, ये तीन नाम इसके। क्रेनियम बायोलॉजिकल टर्म ज्यादा रिलेटिव अच्छा है, तो क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, उसे प्रोटेक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर ब्रेन के अराउंड सिचुएटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, क्यों प्रोटेक्शन, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अगर इससे कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है और सीरियस केसेस में डेथ भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इससे बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वही हम आज देखेंगे कि प्रोटेक्शन किस स्ट्रक्चर से दिया जाता है। जैसे आप डायग्राम देखेंगे, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, मैंने सिर्फ इस साइड से ब्रेन दिखाया था, उसमें पूरा एक हेमिस्फीयर दिखाया गया था, ठीक है। अब यही मैं दिखा रहा हूं एक हेमिस्फीयर को हटा के, जैसे ये दो हेमिस्फीयर है, एक मिनट, ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, ये मान लीजिए राइट है, ये लेफ्ट है, आप लेफ्ट वाले के साइड से देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये बाकी ब्रेन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये लेफ्ट वाले को निकाल दिया, तो राइट वाला का इधर जैसे दिखता है ना, वो यही यहां डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो बहुत राउंड है और बहुत कॉम्पैक्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स भरे होते हैं इस एरिया में, इसे हम क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, सेरेब्रम, ठीक है। ये पार्ट जो ब्रेन का है वो है सेरेबेलम, ये जो बल्जिंग पार्ट है ये है पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है, ये सब और सेरेबेलम, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन यहां पर है, यहां पर डायनसिफेलन, मेसेनसिफेलन, ये एरिया, ठीक है, सॉरी वो सब अलग टर्म मैंने यूज कर दिया आपके लिए, मिड ब्रेन जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेवाइना और सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं, ठीक है। और मिड ब्रेन का मेन काम क्या है, रिले सेंटर का काम करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, पहले इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन तक आती है, फिर उसके बाद फोर ब्रेन तक जाती है, तो बस एक क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को प्रोवाइड कराता है अपर ब्रेन को, फोर ब्रेन को, ठीक है। और जो फोर ब्रेन है उसमें सेरेब्रम आता है, हाइपोथैलेमस आता है, थैलेमस लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या है, क्या काम करता है, थर्मोरेगुलेशन का, थर्स्ट सेंटर भी है, हंगर सेंटर भी है, ठीक है, ये तो हाइपोथैलेमस का काम हो गया। और यहां पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो हम समझेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो ये ब्रेन का एक हमने फिर से ओवरव्यू स्ट्रक्चर देख लिया, सेरेब्रम, ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। अब देखिए तो ये स्ट्रक्चर है, ये यहां पर मैंने शेड भी किया है, ये क्या है, एक बोनी कवरिंग है, ठीक है, बोन्स से बनी हुई कवरिंग है, इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे स्कल, ठीक है, स्कल कहा जाता है, या यही क्या है, क्रेनियम, इसे ही क्या कहा जाता है, बोनी बॉक्स। बोनी बॉक्स क्यों, क्योंकि एक बॉक्स की तरह जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है और बोन का बना हुआ है, इसलिए बोनी बॉक्स, इनसाइड विच ब्रेन इज प्रेजेंट। अब देखिए ये तो एक सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई प्रोटेक्शन के लिए, बोन बहुत हार्ड होती है आप जानते ही हैं, जिससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। अब ये जो ब्रेन है, ये देखिए ये वाला ब्रेन की, ब्रेन के ऊपर तीन कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, डेलिकेट कवरिंग्स होती हैं ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेनस कवरिंग, मेम्ब्रेन, झिल्ली, पतली झिल्ली या पेपर जैसा, समझ रहे हैं आप, वैसा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन की कवरिंग, उसे कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होती है, मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग, मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग,
किसकी कवरिंग? ब्रेन की। तो देखिए ये तो आपका हो गया क्रेनियम या स्कल, कोई बोन है ये वाला, ठीक है ना। अब ये जो ये ब्रेन का है सरफेस, मान लीजिए सेरेब्रम, सेरेब्रम का सरफेस देख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर से, इसके ऊपर तीन लेयर है, मेनिंजेस के कितनी लेयर होती हैं? तीन। मेनिंजेस मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग, कितने मेम्ब्रेन हैं? थ्री, थ्री लेयर मेम्ब्रेन है, थ्री मेनिंजेस, तीन मेनिंजेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आउटर से, बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं। आउटर मतलब जो क्रेनियम की तरफ है, वहां से फिर जो ब्रेन की तरफ है वहां पढ़ते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं, ये मान लीजिए आपका सेरेब्रम है, ठीक है। देखना ऐसे ही इसमें फोल्डिंग्स बने होते हैं बहुत सारे, तो एक लेयर जो होती है वो एकदम सेरेब्रम से चपकी होती है, और उसे सेरेब्रम से अलग करना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो एकदम सेरेब्रम से फर्मली अटैच होती है, तो ये एक लेयर है। फिर उसके बाद एक लेयर आती है, और फिर उसके बाद एक और लेयर आती है, तो तीन लेयर होगी मेनिंजेस की, समझ में आया। एक जो एकदम फर्मली अटैच्ड है सेरेब्रम से, एक जो उसके जस्ट ऊपर है, और एक सबसे ऊपर है, तो ये तीन लेयर होगी। और इसके बाहर ये आपका क्रेनियम है, ये क्या है? क्रेनियम, समझ में आया। ये बोन है, क्रेनियम का बोन है ये लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, अगर बाहर से बात करें तो, ठीक है। तो जो पहला लेयर है उसे कहा जाता है ड्यूरा मैटर, क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर है वो बहुत टफ लेयर है, बहुत ज्यादा टफ लेयर है ड्यूरा मैटर की, ठीक है। उसके बाद जो ये लेयर वाली लेयर है, देखिए ये ड्यूरा मैटर, ये जो ये वाली बाहर वाली, यहां पे आपको समझ में, ये ड्यूरा मैटर है, ये एराकोनॉइड है, और पाया मैटर जो उसके बाद है वो एकदम फर्मली अटैच्ड है ब्रेन से, ब्रेन के सरफेस से, ठीक है। तो जो ड्यूरा मैटर है बहुत टफ है, टफ ड्यूरेबल, कोई चीज टफ है तो हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल, इसीलिए क्या नाम पड़ा? ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब जो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर है, ये मतलब लेयर है, वो है एराकोनॉइड। बाहर वाला क्या है? ड्यूरा मैटर, उसके बाद वाला है एराकोनॉइड। अब एराकोनॉइड ऐसा नाम क्यों पड़ा? एराकोनॉइड बायोलॉजी में एराकोनॉइड वर्ड रिलेट करता है स्पाइडर से, स्पाइडर से इसका नाम एराकोनॉइड ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है, वेब लाइक जाल की तरह स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए जाल, अंदर जाल की तरह स्ट्रक्चर, अगर देखने में लगेगा तो अपीयरेंस लगता है ये वेब लाइक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एराकोनॉइड, ठीक है। ये वेब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम क्या पड़ा? एराकोनॉइड, ठीक है। अब और तीसरा जो है एकदम डेलिकेट, एकदम थिन, ये वाला ड्यूरा मैटर, ये वाला एराकोनॉइड वेब लाइक स्ट्रक्चर, और ये यहां पे पाया मैटर जो एकदम थिन डेलिकेट है और एकदम फर्मली अटैच्ड है, एकदम चिपका हुआ है फेब्रिकॉल की मजबूत जोड़ की तरह, किसके साथ? ब्रेन के सरफेस के साथ, यहां पर सेरेब्रम के सरफेस के साथ, ठीक है। एकदम फर्मली अटैच्ड है, वो एकदम थिन डेलिकेट लेयर है पाया मैटर। तीन लेयर, ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड और पाया मैटर, ठीक है। ये तो हो गए एक कवरिंग्स, हो गए तीन मेनिंजेस इस क्रेनियम स्कल की, ठीक है। अब एक फ्लूइड होता है जो कि यहां पर होता है, कहां पे? सब एराकोनॉइड, सब मतलब नीचे, और एराकोनॉइड मतलब एराकोनॉइड के नीचे, सब एराकोनॉइड स्पेस। तो सब एराकोनॉइड स्पेस प्रेजेंट है पाया मैटर और एराकोनॉइड के बीच में, और यहीं पे क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, हम क्या कहते हैं? सीएसएफ, ठीक है। क्या कहते हैं? यहां पर प्रेजेंट होता है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये ब्रेन इसी फ्लूइड में तैरता है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये एराकोनॉइड है, ये वाली नीचे वाली लेयर मान लीजिए, और ये फॉर्मली अटैच पाया मैटर, तो यहां पर क्या है? सीएसएफ, ठीक है। और ये जो ब्रेन है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो जहां मिड ब्रेन लेबलिंग है, मिड ब्रेन की लेबलिंग की गई है, वहां पर ये जो खाली जगह दिखाया गया है, ठीक है, एकदम हल्के क्रीम कलर से, वो जो खाली स्पेस है
उसे ब्रेन वेंट्रिकल्स कहा जाता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स, और उसी के अंदर सीएसएफ फ्लो भरा होता है, ठीक है। ब्रेन वेंट्रिकल्स मतलब खाली जगह है, ब्रेन के अंदर खाली जगह जिसके अंदर सीएसएफ भरा है। क्यों भरा है? कि ब्रेन को बायोएंसी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और सीएसएफ पूरा फिल्ड है, यहां पर भी एराकोनाइड के नीचे जहां भी जगह है, एराकोनाइड के नीचे जो भी खाली जगह है उसमें पूरा सीएसएफ भरा हुआ है, ठीक है, सीएसएफ भरा हुआ है। और एराकोनाइड ब्रेन के ऊपर पाया मेटर के जस्ट ऊपर, और एराकोनाइड और पाया मेटर के बीच में तो पूरा भरा हुआ ही है सीएसएफ, और ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स है, खाली जगह है, स्पेसेस जहां पे पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, देखिए यहां पर भी जहां जहां मैं अभी चौक चला रहा हूं वहां पर पूरा सीएसएफ भरा हुआ है। तो यहां पर भरा हुआ है। ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल्स होते हैं, एक खाली जगह यहां है, एक ये हो गया, तो ये एक हेमिस्फीयर का है, ऐसा ही इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर होगा, तो उस यहां जैसे है यहां वैसा ही सेम टू सेम, इसके जस्ट बगल में ही होगा, तो दो हो गए, यहां के आसपास तीसरा होता है, ये चौथा यहां पर होता है, चौथा वेंट्रिकल, ठीक है। चार स्पेसेस होते हैं, चार वेंट्रिकल्स ब्रेन में, खाली जगह, पूरा सीएसएफ भरा है, और ब्रेन के चारों तरफ भी सीएसएफ भरा है, ठीक है। सीएसएफ क्या होता है? ब्लड से ही छन कर बनता है, ब्लड से फिल्टर होकर बनता है, यहां पर एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में ब्लड आर्टरीज भी होती हैं, ठीक है। आर्टरी जो खून लेकर आ रही है, ब्लड कहां, ब्रेन के लिए खून लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड खून, उसी से छनती है, और छन के फिल्टर होके क्या बनता है, सीएसएफ, और ये एरेक्नॉइड में प्रेजेंट है, एरेक्नॉइड से पूरा फ्लो होता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है। ब्रेन में खाली जगह को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और स्पाइनल कॉर्ड में बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके बीच में सेंट्रल कैनाल जारी है, इसी में क्या है, सीएसएफ है, ठीक है। और ये ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड, ये सब स्पाइनल कॉर्ड के भी राउंड, स्पाइनल कॉर्ड के भी बाहर रहेंगे, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर, और यहां पर भी एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगी। तो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और अंदर सेंट्रल कैनाल में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहां भी एरेक्नॉइड पाया मैटर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वेंट्रिकल्स में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं जिससे ब्रेन फ्लोट करता रहता है, ठीक है, और इसको ब्रेन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल इसमें गुण होते हैं, ये क्या करता है, इंप्योरिटीज को खत्म करता है, और ब्रेन के अराउंड एक एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट बनाकर रखता है जहां से इंफेक्शन ब्रेन के अंदर ना हो सके, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन हो गया। और ब्रेन क्या है, 1 to 1.5 kg वेट में है, तो हमें उसका भार क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि वो एक तरह से तैरता रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। तो बायोएंट फोर्स उस पर लगता है, जिसके कारण उतना वेट, एक्चुअल वेट उसका बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सीएसएफ। अब जैसे ब्रेन को बोनी स्ट्रक्चर, क्रेनियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को एक और बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, वो है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी। जब आप अपना हैंड प्लेस करेंगे यहां पर मिडिल बैक के मिडिल लाइन में, तो आपको एक स्ट्रक्चर बंपिंग आउट लगेगा कि बाहर उभरा हुआ है, वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का एक पार्ट है। जैसे आपके बैक यहां से मान लीजिए, ये स्कल का ये पॉइंट में ये देख रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम, यहां से पहला बोन वर्टिब्रल कॉलम का चालू होता है, और ये ठीक है, ये आपके हिप रीजन से थोड़ा सा नीचे तक जाता है, हिप रीजन से थोड़ा नीचे तक, समझ में आ रहा है, हिप रीजन से थोड़ा नीचे तक। और मैंने ऐसा बेंडिंग क्यों बनाया है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि एक बेड सर्वाइकल बचपन में जब पैदा होते हैं तो एकदम सीधा रहता है, जब पहला बेंडिंग होता है, पहला बेंडिंग कब होता है, जब पहला बेंडिंग जब होता है, कर्वेचर जिसे कहते हैं, उसके कारण हम अपना सर संभाल सकते हैं,
और मूव कर सकते हैं, और जब दूसरा बेंडिंग यहां पर आता है वर्टिब्रल कॉलम में, तब हम खड़ा होना सीख खड़ा हो सकते हैं और चलने में हमें ये हेल्प करता है फिर, ठीक है। तो दो कर्वेचर आते हैं, सबसे पहले जब बनता है शुरुआत में तो सीधा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें फोल्डिंग्स आती है, कर्वेचर आते हैं, ठीक है। ये तो हायर क्लासेस के लिए हो गया, मैंने एक सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बात होगी, तो कहां से है, 26 वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स होती हैं, जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है, 26 वर्टिब्रा या वर्टिब्रे, 26 इन नंबर्स, और अलग अलग रीजन है। नेक रीजन में जो वर्टिब्रा है उन्हें कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल, ये 7 नंबर में होते हैं, नेक रीजन में, नेक में, जो आपकी छाती, ठीक है, या थोरैक्स, जिसे बायो में थोरैक्स कहा जाता है, थोरैक्स कहां था, जो डायफ्राम है और नेक है, इसमें थोरैक्स, थोरैक्स में आपके थोरैसिक वर्टिब्रे, उन्हें कहा, वो है 12 नंबर। फिर जो आपके कमर के रीजन में है उन्हें कहते हैं लंबर, लंबर 5 नंबर में, लंबर 5 नंबर होता है लंबर वर्टिब्रे का। फिर उससे नीचे सैक्रम, ठीक है, और उसके बाद कोक्राइक्स, सैक्रम 4 होते हैं बचपन में, फिर बड़े होते होते फ्यूज होके 1, ठीक है, और कोकाइक्स 5 होते हैं और फ्यूज होके बाद में 1 हो जाते हैं। तो बचपन में 33, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते होते एडल्ट स्टेज में 26 वर्टिब्री रह जाते हैं। और हर वर्टिब्री, मैं एक वर्टिब्री आपको बना के दिखा दे रहा हूं, ऊपर से व्यू देख रहा हूं, पीछे से कुछ ऐसे दिखेगा वर्टिब्री का भी, ये स्पाइनस प्रोसेस निकला हुआ है, ये उसका मेन, देखिए जब मैं ऐसे पीछे से ऐसे यहां से दिख रहा हूं, यहां कैमरा लगा के या आई लगा के देख रहा हूं, तो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, वर्टिब्री। और जब मैं इसको ऊपर से देखूं ऐसे यहां पर कैमरा लगाकर, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहां पर ये होल है, यहां पर एक स्पेस है, खाली स्पेस, जैसे कि ये वर्टिब्री है, आप समझ लीजिए ये वर्टिब्री है, वो उसका जो पीछे बंपिंग आउट पोर्शन होता है, आप यहां पर टच करेंगे तो आपको पता चलेगा ये निकला हुआ है, समझ लीजिए। और ये क्या है, ये खाली जगह है, कैनाल है, जैसे ये एक वर्टिब्री है, तो ऐसे क्या है, ये खाली जगह सिर्फ एक होल है, वैसे ही अगर इसके ऊपर और इसके नीचे पूरा 26 वर्टिब्री लगे हों तो वो एक क्या बन जाएगा, पाइप जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये तो अभी एक है तो सिर्फ एक होल है, और इसी के ऊपर ऐसे ही 26 वर्टिब्री जिन सब में होल है वो रखते जाएंगे तो एक कैनाल बन जाएगा, नली बन जाएगी, पाइप, उसी पाइप के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, समझ में आया, विजुअलाइज कीजिए, एक वर्टिब्री है ये देखिए, ऐसी वर्टिब्री दिखती है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पोर्शन होता है, फिर कुछ प्रोसेस निकले होते हैं, ठीक है, कांटों की जैसे प्रोसेस निकले होते हैं, और जो सेंट्रल पोर्शन है, मास है, उसके बीच में होल रहता है, ठीक है। और ऐसे ही 26 वर्टिब्रीज होते हैं और वो पूरा क्या, एक पाइप बनाते हैं, डक्ट बनाते हैं, ठीक है, और सेंट्रल कैनाल, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, और उसी के थ्रू, उन्हीं 26 सेंट्रल कैनाल के थ्रू क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, हालांकि स्पाइनल कॉर्ड लंबर तक ही जाता है, सैक्रम कॉर्टेक्स तक नहीं जाता है, ठीक है, लंबर तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड, लंबर मतलब यहां आपके कमर तक, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन जो बता दूं, थोरैसिक, थोरैक्स में जो है, इन्हीं से आपकी पसलियां, रिब्स जुड़ती हैं, थोरैसिक रिब्स जुड़ती है थोरैसिक वर्टिब्री से, ये जो आपकी पसलियां हैं, तो जितनी पसलियां हैं 12 पसलियां एक साइड पे होती हैं, 12 टोटल 24, एक साइड पे 12, ये एक पसली एक थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ती है, ठीक है। तो कितनी होगी रिब्स आपकी, 12 एक साइड, और दोनों साइड मिला लेंगे तो 24, ठीक है, दोनों साइड मिला दूं 12 × 2 कर दिया, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव चीज है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम, इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन ये देता है स्पाइनल कॉर्ड को, खाली यही काम नहीं है वर्टिब्रल कॉलम का, स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिब्रल कॉलम का और भी बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, जैसे कि बैक के मसल्स, जो भी मसल्स हैं उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, बोन हमेशा मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, जितनी भी मसल्स हैं वो बोन से जुड़ती हैं। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये क्या करता है, ऊपर पोर्शन के बॉडी का भार, वेट भी बियर करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की।
अब अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।